हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का। सर हम अभी एनटीपीसी का एग्जाम देखकर होटल में हैं, रीजनिंग में आपका सारा का सारा क्वेश्चन आया। भाई आना ही था वो तो, मैंने आपसे लोगों से पहले ही कहा था यार, आप लोग रिलैक्स होके जाओ, मस्त तरीके से जाओ। जितना पढ़ाया है उसका भी अगर आपने रिविजन कर लिया मतलब तो आपको मजा आ जाएगा। और ये देखकर तो भाई आते ही मजा आ गया। आनंद कुमार जी कहाँ से हो आप? आनंद जी, आनंद जी कहाँ से हैं आप? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख के। एक सेकंड, मैं एक बार देखता हूँ आप लोगों के कमेंट क्या है। झुमिल हो गए, झुमिल मतलब चले गए। एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर लो, आप भी रिफ्रेश कर लो एक बार। एक काम करो, आप भी रिफ्रेश कर लो एक बार। अब आ रही है क्या आवाज? आ रही है क्या? सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें। सर अमरावती महाराष्ट्र से हूं मैं। ओके सर, पूरा का पूरा आपकी क्लास से था, श्वेता जी बोल रही है। थैंक यू सो मच सर, पूरा आपकी क्लास में से ही था। यार शिवम भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आपको रीजनिंग में टाइम लगता है तो बेटा प्रैक्टिस करो, और क्या करोगे बताओ आप। आज की क्लास मेनली मैंने इसलिए रखी है कि आपकी जो भी समस्या है ना आज मैं वो सुनूंगा यार, ठीक है? क्योंकि काफी सारे लोगों को दिक्कत है, मतलब काफी सारे लोगों को शायद पता ही नहीं है, या तो प्रिपरेशन लेट करिए या फिर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा और आप मेरे से टच में रहना, और बहुत सारी चीजें आपको जहां भी दिक्कत आती है वो मुझे बताते रहना। सर मैं उड़ीसा हूँ और एमई भी अच्छा हुआ है सर, मेरा भी अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 25 प्लस स्कोर रहा है, 25 प्लस क्वेश्चन वो बिल्कुल सही करके आया 30 में से, मुझे एक बार बता दो बस। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 25 प्लस तो 100% सही, ठीक है? सीरीज वाले क्वेश्चन सर 90 प्लस अटेम्प्ट किए, क्या बात है सुनील भाई, सही तो किए ना, 90 प्लस अटेम्प्ट किए। सर मेरे 29 सही हुए हैं, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार। अजय 29 कितने में से सही किए हैं ये पूरा लिखो ना, कि किस सब्जेक्ट में किए हैं, क्या किया पता ही नहीं, आपने लिखा है कि सर 29 प्लस किए हैं। ओवरऑल 29 प्लस तो फिर 30 हो जाता है। मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूँ, पता है ना आपको, कि आप ठीक है आप रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सब्जेक्ट के दम पर कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये तो पता है ना आपको, है ना सर? 28 बहुत बढ़िया सर, लव यू टू भाई, क्या बात है यार। 89 अटेंड किया है, कौन है यार ये? एस के वसीम, बहुत बढ़िया बेटा। और प्रियंका जी ने भी 28 किए हैं 30 में से, बहुत बढ़िया। तो लगभग मैं मान के चलूं कि यार एटलीस्ट 25 तो आप लोग कर ही पा रहे हो, 25 प्लस तो आप कर ही पा रहे हो, है ना? पर 25 प्लस से हमारा काम नहीं चलेगा गाइज, मैं आप लोगों से एटलीस्ट बोलता हूँ मिनिमम, ना अभी करके मैं बोलता हूँ कि यार 28 तो हमें बिल्कुल सही करने ही करने हैं। एक दो क्वेश्चन में मार्जिन लेके चलता हूँ कि उटपटांग चीजें आ गई, या फिर जान बूझ करके कुछ ऐसे लेंथी क्वेश्चन आ गए क्योंकि रीजनिंग में काफी आ जाते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना हो, किसी तरीके की समस्या ना हो। तो एटलीस्ट यार 28 तक का स्कोर तो है, आप लोग लेके आओ, डेली प्रैक्टिस करके आओ कि 30 में से 30 का टारगेट बनाए, और अगर आप उसको मैक्सिमम टारगेट में से अगर आप उसका 90% 95% भी अचीव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए स्टार्ट करता हूं मैं फटाफट से, एक बार थम्सअप कर दो कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं, एक बार सभी लोग थम्सअप कर दें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो मेरे साथ में आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि बस आप लोग स्पीड रखिएगा, पेन और पेपर लेके बैठो क्योंकि सेशन भी लंबा होने वाला है और साथ ही साथ चीजें भी बहुत सारी होने वाली। जी बिल्कुल, सर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं आज? आज जी आज होने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे पूरे। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप इस क्लास को रेगुलर अटेंड करें बस, तो 100 क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं सभी बच्चे? ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं भाई पहले क्वेश्चन से। चलिए लाइट चला देता हूं एक बार ताकि फिर डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए स्टार्ट। जो पसीने जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। रेगुलर बेसिस पर होने वाली इन क्लासेस को जबरदस्त तरीके से अटेंड करिए और आज शाम को 6 बजे और 6:40 पर भी जबरदस्त क्लास होने वाली है अपनी, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। सशक्त बैच मेरा चालू हो गया है, दीपू 10 को लाकर आप अनअकैडमी पर ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्राइजेस अभी बड़ी नहीं है, उन्हीं प्राइजेस में है। इसके अलावा जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि रेलवे वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी प्राइजेस भी नहीं बढ़ी हैं गाइस, 3600 रुपए ही जो कम की हुई प्राइजेस हैं, उन्हीं प्राइजेस को आप लोग कर सकते हो भाई। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। देखो इधर 43 - 17 = 26, 26 + 15 = 41, ये हो रहा है -13, ये हो रहा है आपके पास में +11, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, यानी कि +19 करने के बाद में ये बना होगा 19, 17, 15, 13, 11, दो दो का गैप चल रहा है और भैया अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, तो +19 करने पर ये बना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है +19 कब होगा,
क्या सही है क्या? नहीं, तो क्या जोड़े हैं भाई? चॉइस होना चाहिए था यार, 24 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, पर फिर भी लोगों के आंसर आ रहे हैं डी ऑप्शन। गजब के लोग हैं यार भाई, 24 होगा भाई आंसर। क्लियर है कि नहीं है? चलेगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 24 है इस क्वेश्चन का आंसर, है 24, ई ऑप्शन कर लेना इसको। अरे ऑप्शन नहीं है तो क्या जबरदस्ती या ऑप्शन ठीक फिट करोगे क्या? सही तो करोगे ना सीरीज को? 24 नहीं दे रखा उसने ऑप्शन में। चलिएगा नेक्स्ट अगला, फटाफट से स्पीड से करेंगे गाइस। क्या आएगा? नो स्पेयर इज पार्ट। फिर आगे दे रखा है ओनली अ फ्यू पार्ट्स आर ग्रेट। ओनली अ फ्यू पार्ट्स आर ग्रेट, केवल कुछ ही पार्ट ऐसे हैं जो ग्रेट हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है कि याद रख लेना कि कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो ग्रेट नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान, ये पता है या नहीं पता है आपको? अगर उसने बोला है ओनली अ फ्यू पार्ट आर ग्रेट, केवल कुछ पार्ट ग्रेट हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है कि कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो ग्रेट नहीं है। अगर उसने बोला है ओनली अ फ्यू पार्ट आर ग्रेट, केवल कुछ पार्ट ग्रेट हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ग्रेट नहीं है। सम ग्रेट इज बेस्ट, कुछ ग्रेट बेस्ट हैं। तो यहां लिखा हुआ है सम बेस्ट इज ग्रेट, तो बिल्कुल सम बेस्ट इज ग्रेट, ये भी सही। ऑल बेस्ट बेस्ट आर पार्ट, क्या इस डायग्राम में सारे बेस्ट पार्ट है क्या? नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर बनेगा गाइस सिंपल सा, ओनली वन फॉलो। फटाफट से थम्सअप कर दो कि यस सर बिल्कुल सही है। सभी लोगों का सही है भाई, सभी लोग थम्सअप कर दें कि यस सर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, और ये चल रहे लगातार नंबर। तो सर ऐसा बता दो फिर कौन सा क्यूब है? ये रहा सर, ये वाला आंसर आ गया, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये आंसर भी आ गया। नेक्स्ट, ये क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 1, और ये बन रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 1। सर ये बन रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 1, और ये सीधा बन रहा है 5 का स्क्वायर, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये बन रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये अलग हो जाएगा। भाई ये 1000 का कोण नहीं है, ठीक है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये 1000 का कोण नहीं है, ये 100 डिग्री है। 1000 का कोण बनाते बनाते कहीं चक्कर ना आ जाए आपको, इसलिए परेशान मत होना, ये 1000 का कोण नहीं है, 100 डिग्री बनाना है आपको, 100 डिग्री। सर मेरा 2 मई को पटवारी का एग्जाम है, ऑल दी वेरी बेस्ट भाई, ठीक है? अच्छे से करना, रीजनिंग बढ़िया फोड़ के आना। पहली बार रीजनिंग पटवारी में एड हुई है राजस्थान, राजस्थान में है ना सर। 14 मार्च को बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो बेटा कहाँ दिक्कत है, आराम से जो रेगुलर सेशंस चल रहे हैं, जो टॉपिक नहीं आता ना उस टॉपिक को मेरे नाम के साथ सर्च कर लो और पढ़ लो, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ। क्लोक नहीं आता तो क्लोक बाय दीपक सर, कैलेंडर नहीं आता तो कैलेंडर बाय दीपक सर सर्च कर लो, सिलोज में नहीं आता तो सिलोज में बाय दीपक सर, ब्लड रिलेशन बाय दीपक सर, रैंकिंग बाय दीपक सर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बाय दीपक सर, सर्च कर लो और पढ़ लो बस, ठीक है?
और प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेस बिल्कुल रेगुलर हो। आज 1 बजे भी क्लास है, 3 बजे भी क्लास है, फिर शाम को 9 बजे भी क्लास है, 10 बजे भी क्लास है, क्लासेस की कमी नहीं यू अनअकैडमी पर। हाँ यार यश यार बहुत बार बोल दिया है टाइपिस्ट को यार, चेंज ही करना पड़ेगा या फिर वो वार्निंग तो क्या 2 साल से वार्निंग ही दे रहे हैं। अब सोचते हैं यार किसी के यार किसी को लॉस ना हो यार अपनी वजह से किसी भी तरीके से, पर कहाँ तक यार वही है ना, वो मिस्टेक्स इतनी कर ही देते हैं ना यार, क्या करें। सर पंजाब पटवारी, चलिए ऑल दी बेस्ट। चलिए 6:30 बजे, और 6:30 बजे निकालना है कि 100 डिग्री का कोण कब बनेगा, 6:30 बजे के बाद 100 डिग्री का कोण। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रख लेना, जब 6:30 बजे की तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अगर 6:30 बजे से पहले अगर वो ज्ञात करवाता भाई, 6:30 बजे से पहले अगर वो ज्ञात करवाता ना आपको, अगर मान लो वो 100 डिग्री का कोण पहले ज्ञात करवाता 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, तो भैया एंगल जो बनता नेगेटिव बन रहा। पर 6:30 बजे के बाद अगर 100 डिग्री का कोण बनाना है तो इतना तो आपके भी दिमाग में आ गया होगा कि 100 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, लगभग 30-30, 60-30-90 हो रही है ना, लगभग 100 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। यानी मिनट वाली सुई ने अगर घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया है तो एंगल आप लेंगे पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव एंगल लेंगे तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, थीटा बराबर होता है 11/2 × मिनट - 30 × आर, तो ये आ गया 100 = 11m/2 - 30 × आर की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का 180 उधर आएगा तो प्लस का 180, प्लस का 180 और 100 ये हो गया 280, 280 × 2 = 11m, तो m बराबर हो जाएगा ये 560 / 11, तो m बराबर आ जाएगा 11×55, यानी 50 सही 10/11। 50 सही 10/11 का सीधा सा मतलब है 6:50 के आसपास। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर 30 कहाँ गया, अरे भैया ये जो है ना ये वाला, अरे ये माइनस का 180 बनाएगा तो उधर भेजूंगा तो प्लस का 180 तो होगा, तो भैया 100 + 180 = 280 हो गया ना ये, तो ये यहाँ चला गया भाई 30। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो बस, आप इस फॉर्मूले में लगा लो और अपने आप आ जाएगा 6:50 के आसपास का टाइम आ। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए, 9 को 52 लिखा हुआ है तो आगे क्या बनेगा। मैंने 1000 बार बोला है कि नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करके देखो, एक बार ओरली करके देखो, 9 × 54 होता है, 9 × कितना होता है 54 होता है सर, और इसमें से 2 घटाएं तो 52 हो गया, तो ऐसे ही कितना बनेगा सर, 12 × 72 होता है, 72 में से अगर 2 चला गया तो सर 70 बनेगा, और 70 ऑप्शन में दे रखा है, पेन चलाने की ही जरूरत नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए बी से अधिक शक्तिशाली है, जल्दी से करो भाई इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों को। टाइम्स अप, उसने बोला ए बी से अधिक शक्तिशाली है, बी सी के जितना शक्तिशाली नहीं है। अब बी अगर सी के जितना शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब बी से, बी जो है सी से कम शक्तिशाली है, सी डी से अधिक शक्तिशाली, ये लो सी डी से अधिक शक्तिशाली है लेकिन ए के जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी ए ज्यादा शक्तिशाली है, सही है, और यहां भी ए आ गया, तो उसने बोला कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो ए सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भाई, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ए हो गया। चलिए नेक्स्ट, अर्जित 95 मीटर की दूरी एक बिंदु एक्स से वाई तक तय करता है, ठीक है 95 मीटर की दूरी तय करता है, फिर
दाएं मुड़ा और 50 मीटर, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 70 मीटर, अंत में दाएं मुड़ा और 50 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो भैया प्रारंभिक बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25 मीटर की दूरी पर है। मैं कह रहा हूं 10-10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो आप। ऑल कप आर फ्रूट, ऑल फ्रूट आर पेंसिल, सम पेंसिल आर फ्रूट, सम पेंसिल आर कप, बोथ फॉलो। क्या बन रहा है भाई? बोथ फॉलो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। दाई ओर दर्पण लगा दिया भैया, अब कैसा शेप बनेगा? एरो नीचे तो आएंगे नहीं, और ये तो एक अपोजिट और एक अपोजिट हो गया दूसरे के, ये भी तो कौन सा बनेगा भाई? सी ऑप्शन। कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। समय भले से ले लो लेकिन सही कर लेना क्वेश्चन। जी हाँ, 40,000 वैकेंसीज आपकी जीडी की जो है इस बार आने वाली है, ठीक है, जो जिसका फॉर्म 25 तारीख से भरा जाएगा। 40,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है जीडी के लिए, तो भाई तैयार रहना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सीधी सी बात है। जी हाँ, उसका बैच चालू हो गया है भाई, एमटीएस और जीडी के लिए बैच चालू हो गया है, आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है और सिलेक्शन लेना है तो। डीआरडीओ का एग्जाम आपका मई में होगा यार। जी बिल्कुल, डीआरडीओ की प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पिंकी ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? पिंकी ने कहा। क्या कहा पिंकी ने? वह मेरे भाई की पत्नी है, वह मेरे भाई की पत्नी है, वह मेरे भाई की पत्नी है, यानी ये व्यक्ति यही है जिसका एकमात्र पुत्र रोहन है। एकमात्र पुत्र कौन है? रोहन, जिसकी शादी अंकिता से हुई है। रोहन की शादी हुई है अंकिता से। सही से बना लेते हैं थोड़ा। क्या बोला है भाई? देखना है इधर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पिंकी ने कहा, क्या कहा पिंकी ने? पिंकी ने कहा है भाई कि वह मेरे भाई की पत्नी है। येलो, यहां तक तो ये खत्म हो गया। वह मेरे भाई की कौन है? पत्नी है, जिसका बेटा है रोहन और उसने अंकिता से शादी की, ठीक है। तो अंकिता उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? अंकिता उस महिला की कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी ना। अंकिता उस महिला की कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। देखते हैं कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को करते हो गाइस। मजा आएगा भाई इस क्वेश्चन में बहुत।
अंकिता के साथ वुमेन का क्या रिश्ता, जिसके पीछे का आएगा उसका रिलेशन बताना होता है। अंकिता उस महिला से, यानी अंकिता का उस महिला से, तो जिसके पीछे का आ जाए ठीक है उसका रिलेशन बताना होता है कि अंकिता कौन लगेगी। अंकिता का महिला से, नहीं आया। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोगों को आया, आंसर तो बाद की बात है, पहले तो ये बताना कि कितने लोगों को समझ में आया। जिनको समझ में आया वो यस करिएगा, जिनको नहीं आया वो नो करिएगा। भाई इस तरीके के क्वेश्चन को तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको लॉजिक लगाना आता हो, या जिसका माइंड जो है भाई इस तरीके के क्वेश्चन की तरफ पहले भी ध्यान गया हो और उसके माइंड पे क्लिक किया हो। अब आप यहाँ पे खुद लगा सकते हैं, देख सकते हैं भाई लगभग 20% लोगों को ये आया है और लगभग 80% लोगों को नहीं आया है। 20% लोग, 25% लोगों को आया है, 75% लोगों को नहीं आया है। तो इस लॉजिक को नोट करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आपके अभी लेटेस्ट में ही एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ है तुम्हारा 2020 के अंदर अक्टूबर में, उसी का क्वेश्चन है इसी साल, ठीक है ध्यान से देख लेना। 42 ऊपर की जो दो संख्याएं हैं 42 42 और 18 को जोड़ लो आप, 42 और 18 कितना हो गया 60। अब नीचे वाली जो संख्या है उनकी सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ लो, उनकी सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ लेना नीचे वालों, यानी क्या जैसे 14 प्लस 41 है ना, तो इसको जोड़ लो आप 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना बना रहा है 10 और ये बना रहा है 60। खत्म हो गई पिक्चर, 60 में 10 का भाग लगाओगे कितना आ गया 6। ऊपर वालों को कर लो 38 प्लस 52, ये हो जाएगा 90 और नीचे 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2, ये हो रहा है 9। 90 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया 10। मजा आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लो भाई लॉजिक को नोट कर लो, ठीक है अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर पता नहीं कोई बढ़िया सा डायलॉग मारा है यार, निकल गया पीछे। मस्त लॉजिक है, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखो आप इन चीजों को हल्के में नहीं ले सकते, अगर आपको पैटर्न्स पता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, जब पैटर्न ही देखा हुआ नहीं होगा तो फिर कैसे अप्लाई करोगे मुझे तो ये बता दो बस। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, पीछे वाला जो क्वेश्चन आपने किया है अगर आपको उसका पैटर्न नहीं पता कि ऐसा लॉजिक होता है तो आप अप्लाई कैसे कर लोगे, वहां इतने कैसे 30 मार्क का बन जाएंगे कि अचानक से हमें वहां पे चीजें माइंड में क्लिक हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। अब इस फिगर को कंप्लीट करना था, ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉसिबल का कोड देखिए, POSSIBLE पॉसिबल, QRU QRWD QRWDKGN, P का Q, O का PQR, S का TU। अभी आप यहां पे भी कहोगे कि सर यहां पे +2 +2 है, फिर आप क्या करें, धराशाही हो गए तो धराशाही हो गए भाई। तो देखो इधर इस तरीके से लॉजिक नहीं लग रहा है,
आप इसको टू पार्ट में डिवाइड करो, ऐसा कोई लॉजिक आपके सामने दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए आप क्या करो टू पार्ट में डिवाइड करो इसको। ये लीजिए, क्या आप बैठ रहा है क्या भाई? आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पे लिखा, अमन नाम है उसका, उसने कहा सर टू पार्ट में डिवाइड कर लो। भैया टू पार्ट में डिवाइड करने पर भी नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा, टू पार्ट में डिवाइड करने पर भी नहीं होगा। जब टू पार्ट में डिवाइड करने पर भी नहीं हो रहा तो फिर फोर पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब और भी जो आपने बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी टू टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये लो, आप चेक कर लो भाई, सही है क्या? अब कर ले चेक, ठीक है। O का पी क्यू, पी का क्यू आर, सर प्लस टू हो रहा है। एस का टी यू, एस का टी यू, सर प्लस टू हो रहा है, क्रॉस में ले जाने पर देखें। बी का सी डी, आई का जे के, सर प्लस टू हो रहा है। ई का एफ जी, एल का एम एन, क्या हो रहा है, प्लस टू हो रहा है। तो ए का बी सी, एफ का जी एच, ई का एफ जी, आर का एस टी, ई का एफ जी अगेन, डब्ल्यू का एक्स वाई, एल का एम एन और यहां भी एल का एम एन, तो ये बनेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? मजा बिल्कुल आएगा यार, रेगुलर रहोगे, चीजें सीखोगे तो मजा ही आएगा, और नहीं तो फिर चाहे दुनिया की कितनी भी किताबें खोल लें, कितने भी टीचर पढ़ लें, ठीक है। एक बात हमेशा याद रख लेना, बेहतर की तलाश में कहीं बेहतरीन मत खो देना। बस कि हम सोच रहे हैं कि कुछ बेहतर ढूंढ लें, पर बेहतर की तलाश में कहीं बेहतरीन को मत खो देना, ये बात याद रख लेना बस। M का अर्थ है डिवाइड, N का अर्थ है मल्टीप्लाई 6, O का अर्थ है प्लस 5, P का अर्थ है माइनस 21, O का अर्थ है प्लस 5। तैतीस माइनस 21 प्लस 5, 40 माइनस 21 कितना हो रहा है, 19। फाइव का क्यूब प्लस 1 यहां हो रहा है, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1 यहां हो रहा है, 8 का क्यूब प्लस 1।
नेक्स्ट भैया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन रही है यार, साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, ये तो साफ साफ ही दिखाई दे रहा है कि 13 का स्क्वायर बनेगा 5, 12 और 13, सी ऑप्शन। चलिए, अजय पार्क में टहलता है और 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 70 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु के संबंध में किस दिशा में है भाई? तो ये है ईस्ट, ऊपर है नॉर्थ, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। क्या आएगा भाई, क्या आएगा? ये है आपके पास में रिपीटेड सीरीज, पहली बात तो ये, और रिपीटेड सीरीज आपने बहुत बार करी है। क्या आप डायरेक्टली बिना पेन चलाए हुए कर सकते हो क्या, एक बार ये बता दो। देखो यहां पे टी आ रहा है, अगर इस जगह समझे हम चीजों को, तो इस जगह टी आ रहा है और टी यहां भी आ रहा है, और टी से पहले यहां एक्स आ सकता है क्योंकि यहां भी एक्स आ रहा है, फिर यहां आ रहा है x के बाद डैश देन y, x के बाद क्या आ रहा है, x डैश y z, तो इसका मतलब z से पहले y है, तो z से पहले यहां y रख दें। देखो z से पहले यहां y है ना, तो यहां भी z से पहले y रख दिया, पर इस y से पहले खाली है, पर यहां पे y से पहले x है, तो यहां पे x आ जाएगा। ये लो खत्म हो गई पिक्चर, ये तो खत्म ही हो गई, डबल x y z बनेगा भाई, अल्टरनेट पे तो समझ में आ गया कि सर ये बनेगा डबल एक्स वाई जेड बिना पेन चलाए हुए, और यहाँ पे क्यू आ रहा है तो सर यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा, और आंसर में देखें तो सब जगह एस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एस दिखाई दे रहा है, तो एस एस अगर दिखाई दे रहा है तो इनमें एस फिल कर सकते हैं, तो क्यू एस एक्स टी ये बन जाएगा, यानी हमारा आंसर बनेगा एक्स एस एक्स एक्स एस एक्स, फिर है वापिस से एक्स, फिर वाई है, फिर Q है और फिर S है, तो X S डबल X S डबल X Y Q X S डबल X Y Q S, चलिए नेक्स्ट।
दो का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, ग्यारह का स्क्वायर, बीच में तीन छोड़ दिया प्राइम नंबर का, यहां पे सात छोड़ दिया, तो अगला वाला तेरह छोड़ देंगे, तो फिर कौन आएगा सत्रह, सत्रह का स्क्वायर होता है 289, यानी कि सत्रह का स्क्वायर आएगा और सत्रह का स्क्वायर होता है 289। फिर उसके बाद में 19 को छोड़ दिया है हमने, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 23 का स्क्वायर 529, फिर हमने यहाँ पर जो है 29 को छोड़ दिया है और यहाँ लिख रहा है 31 का स्क्वायर, तो भैया 17 का स्क्वायर आ गया 289। अरे अल्टरनेट चल रहा है, प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दो से, दो तीन पांच सात, तो पहला प्राइम नंबर लिखा दो, उसके बाद तीन वाले को छोड़ दिया, फिर स्क्वायर किया हुआ है पांच का, फिर सात को छोड़ दिया, पांच के बाद आने वाला सात का स्क्वायर छोड़ दिया, फिर अगला लिखा हुआ है ग्यारह का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है अल्टरनेट एक छोड़ के। महात्मा गांधी सच में आपका नाम महात्मा गांधी है क्या? उनके पद चिन्हों पर भी चलना अगर उनका नाम इतना पसंद है, अगर आपने लिखा हुआ है महात्मा गांधी। All postcards are envelope. No envelope is paper. Some envelope are postcard. Some envelope are postcard. No paper is an envelope. No postcard is paper. All follow. सारे सही। क्या बनेगा? All follow. चलिए next. किसी निश्चित कूट भाषा में शंघाई को ऐसे लिखा हुआ है तो सभी के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लस थ्री हो रहा है, तो प्लस थ्री का सीक्वेंस तो भाई डायरेक्टली कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, फिर उसके बाद आपके पास में के आई रहा है, ए के बाद बी सी डी, क्या कहते हो, एन के बाद ओ पी क्यू, जेड एक्स के डी क्यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करिए।
बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। अंदर की तरफ अगर आएगा, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाले तो एज इट इज अपनी जगह ही रहेंगे, बस इनको स्क्वायर और सर्किल में कर दो। जब इसको स्क्वायर और सर्किल में करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। जे के बाद के एल एम, एम के बाद एन ओ पी यू, है ना, फिर इसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे प्लस थ्री हो रहा है, प्लस फोर हो रहा है, देन प्लस फाइव हो रहा है, देन प्लस सिक्स करोगे, 22 में 6 जोड़ोगे तो 28 बनता है, लेटर तो 26 ही होते हैं, तो बी से आपका आंसर स्टार्ट होगा। के बाद ओ, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, देन प्लस सेवन करोगे तो जी, बी जी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फाइंड करिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, क्या आएगा भाई? कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक दो तीन, ये हो जाएगा चार, ये पांच, चार, ये हो गया पांच। छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, यहाँ पे यहाँ तक हो चुके हैं बारह। हाफ ये तेरह, नीचे चौदह, और कोई बना सकते हो आप तो तेरह बना पा रहे हो भाई। तीन के बाद चार, पांच, छह, सात, आठ, ये नौ, ये दस, दस के बाद ये बनाएगा इसके साथ ग्यारह, पूरा बड़ा वाला बारह, बारह के बाद ये हाफ तेरह, और एक ये चौदह, चौदह बनेंगे भाई। तो चौदह ऑप्शन में नहीं है तो इसका आप, इसका मतलब आप तेरह गिन लोगे। अरे चौदह ऑप्शन में नहीं है तो तेरह गिन लोगे क्या आप? तो बस मुझे ये बता दो। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे आंसर्स पूछता हूं ना, तो आंसर्स का ही जवाब दिया करो अच्छे से। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं तेरह ही होगा सर। चलो ठीक है, तेरह ही होगा तो एक बार और सही, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती है, आराम से गिनना लेकिन, ठीक है? ठीक है ना भाई, आप आराम से गिनना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने तेरह गिना है वो तेरह भी बने रहना, फिर चौदह मत कर लेना फिर आगे, या पंद्रह मत कर लेना। इसको देखना आप, एक दो तीन, ये तीन, चार, ये पांच, ये छह तो वो है जो डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं आपको, छह के बाद ये दोनों मिलकर बनाएंगे, ये हो जाएगा सात, फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगे, ये हो जाएगा सर आठ, फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगे, चार और पांच मिलकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा नौ, और ऐसे ही पांच और छह मिलकर बनाएंगे तो ये हो जाएगा दस। तो दस तो ये हो चुके हैं आपके, टेन तो यही कंप्लीट हो चुके हैं। अब दस के बाद ये छह वाला इस पास वाले के साथ मिलकर बनाएगा, तो ये हो चुका है ग्यारह, ये हो गया है ग्यारह आपका। ग्यारह के बाद ये छह वाला जो आपने, सॉरी ग्यारह वाला जो गिना है वो आगे वाले के साथ भी मिलकर बनाएगा, ये हो जाएगा बारह, ये बारह नहीं हो जाएगा, ये बारह हो गया। बारह के बाद इधर देखना, ये हाफ, बारह के बाद ये हाफ, ये तेरह, और ऐसे ये वाला हाफ, ये चौदह। तो फिर इसलिए कहता हूं कि काउंटिंग आनी चाहिए यार, आंसर लाना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, आपको काउंटिंग आपको सही से आ रही है या नहीं आ रही है ये मैटर करेगा, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलिएगा नेक्स्ट, अगला देखिएगा क्या बनेगा यहां पे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो ऊपर वाली दो संख्याओं से, ऊपर वाली दो संख्याओं से हम नीचे वाली संख्याएं बना सकते हैं, देखना कैसे।
दो इंटू तीन बराबर क्या होता है, छ, और दो का क्यूब कर दें तो कितना होएगा, 8। ऐसे ऊपर वाली दोनों संख्याओं को लो, 4 × 2 बरा दिया आपने 8, और ऐसे 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। ऐसे ऊपर वाले दोनों संख्याओं को ले लो, 7 × 2 बराबर हो जाएगा 14, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चार अक्षरों को एक समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान हैं, जबकि कोई एक भिन्न है, वो बताना है कि कौन सा भिन्न है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और आई का अपोजिट आर होता है गाइस। ऐसे ही एम का अपोजिट एन होता है, एस का अपोजिट एच होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, जी का अपोजिट टी होता है, के का अपोजिट ओ होता है लेकिन एफ का अपोजिट यू नहीं, ये अपोजिट नहीं, ये क्या है, ये अपोजिट नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अभी अभी आपको मैंने एक पैटर्न सिखाया, क्या पैटर्न सिखाया कि सर इनको फिल करना आना चाहिए, है ना, आप तो बस कंपेयर कर लो, आप तो कंपेयर करके क्या पता लगा सकते हो, आप तो वो कर लो बस। देखो यहां पे आ रहा है सीपीडी, या यूं कह सकते हैं डी के बाद क्यू है, अगर डी से पहले पी भी आ रहा है, पी से पहले फिर डी भी आ रहा है, ओहो तो फिर यहां पे कंपैरिजन हो सकता है। देखो अगर पी से पहले डी है तो यहां भी देखो पी से पहले डी है, पी से पहले डी है तो उससे पहले क्यू आएगा, तो पी से पहले डी और फिर यहां आ रहा है क्यू। लो अगर यहां तक क्यू तक कर लिया तो पीछे का पूरा केस ही क्लियर हो गया। फिर तो देखो इधर, यहां पे तो सारी चीजें ही क्लियर हो गई। फिर तो क्या बनेगा, डी क्यू सी क्यू सी क्यू डी पी, क्यू सी क्यू है ना, क्यू सी क्यू डी पी सी डी पी सी पी क्यू सी क्यू QCQ DPCP QCQ QCQ DPCP और फिर D भी आ रहा है यहां पे, तो यहां D ले सकते हैं हम चाहें तो, इस जगह D ले सकते हैं, QCQ ये लीजिए, बिल्कुल आंसर आ रहा है QCQ DPCPD QCQ DP CPD, आंसर आएगा QCPD QCPD DPQC QCPD DPQC D ऑप्शन। चलिएगा कौन किसके अपोजिट है फटाफट से बताइए, किसके अपोजिट बोल रहा है, तो भाई इसके अपोजिट तो ये आएगा, क्या आएगा, परसेंटेज। 13 को 20 लिखा हुआ है तो आगे कैसे लिखा जाएगा, बताओ भाई।
क्या आएगा गाइस, फटाफट से देखिए, आराम से देखिए। देखिए 13 को 20 बनाना है, अगर 1 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा सर, और 4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सर ये आएगा 20। फिर ऐसे ही 2 को 6 में ऐड करेंगे तो सर 8 आएगा, और 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सर ये आएगा 40। क्या कहते हो गाइस, सही है? नेक्स्ट दे रखा है ई और आर, ई और आर को 529 कैसे लिखा होगा? अब 529 तो 23 का स्क्वायर होता है, और ये 5 है, ये 18 है, ये मिलकर बनाएगा 23, और जो 529 बना है ना वो बना है इसके स्क्वायर से। तो ऐसे ही जी ओ को ले लो, 7 + 15 = 22, 22 का स्क्वायर 484। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ए सी की माता है, ए जो है वो सी की माता है, सी डी का पोता है, ए सी की माता है, सी डी का पोता है या नाती, कोई एकल अभिभावक नहीं है, डी और ए के लिंग समान है यानी सेम जेंडर है, ठीक है, यानी ये भी फीमेल है, ई ना ही डी का पुत्र है और ना ही डी से विवाहित है, ई ना तो डी का पुत्र है और ना ही डी से विवाहित है, ई ना ही डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र नहीं होगा, कोई बात नहीं, पुत्र नहीं होगा तो क्या हो गया, दामाद तो हो सकता है ना, ई डी का दामाद हो सकता है और वो डी से विवाहित भी नहीं है, सही है। अब बच गया बी, बच गया यहां पर बी कहीं नहीं आ रहा, उसने कहा एक बी ऐसा नहीं है जो मतलब अविभाविक हो, कोई भी सिंगल अभिभावक नहीं है, इसका मतलब पेरेंट्स में आएंगे, दोनों साथ में आएंगे, यानी बी इसका पति हो जाएगा, डी का पति हो जाएगा बी, तो ई सी से किस प्रकार से संबंधित है, ई सी का पापा हो गया, ई सी का कौन हो जाएगा, पापा हो जाएगा भाई, ई सी का कौन हो जाएगा, फादर। चलिएगा नेक्स्ट, इसका इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, फटाफट से जल्दी से करिए, देखिए अब इतने बड़े क्वेश्चन को देखिए आप जो है गाइस, ऑब्वियस ही बात है जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि एक बार जोड़ के देख लेते हैं, ऐसा दिमाग में आता है, तो ये बना रहा है 12, फिर नीचे वाला ये बना रहा है 10, फिर ये भी 10 बना रहा है, और इनको जोड़े तो ये भी 10 बना रहा है, तो भाई सारे ही 10 बना रहे हैं, अरे भाई ये तो सब 10 बना रहे हैं, इसको छोड़कर ये 12 बना रहा है बस, चलिए नेक्स्ट। सत्रह इंटू तीन 51, 23 इंटू 5 115, 13 चौक 52 52, इसको आप कर लोगे, इसको करके बताओ आप, चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए गाइस,
चलिए बनाइए। बहुत बढ़िया, लाजवाब यहाँ पे आंसर आ रहा है और बहुत सारे लोगों का भाई गलत आंसर आ रहा है। ये नौ, ये 13, फिर ये 17, यहाँ 19 आ रहा है। गाइस ये क्या चल रहा है बताओ। मेरे हिसाब से तो यार ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं गाइस। तो अगला प्राइम नंबर क्या आ जाना चाहिए, 23 आ जाना चाहिए। अगर 23 अगला प्राइम नंबर होगा तो 90 आएगा भाई आंसर। चलिए नेक्स्ट। सिक्स प्लस टू का क्यूब इक्वल टू 14, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 14 प्लस 3 का क्यूब 41, फिर अगला भी देख लो, 41 प्लस 4 का क्यूब 105, 105 प्लस 5 का क्यूब 230। इसमें कितने त्रिभुज हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। चार के अलावा और किसी को कोई दिख रहे हो तो बता सकते हैं भाई। बिल्कुल देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि गाइस ये प्राइम नंबर की सीरीज नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर चल रहा है तो आपने प्राइम नंबर मान लिया, गजब के लोग हैं। हैं तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि इसको सही करो। यहां पर जो है 7 है, 9 नहीं है, यहां पर 7 है। क्या है यहां पे, 7, और ये 11 है। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। मतलब आधे तो नींद में ही चल रहे हैं भाई, ये दो चार लोग जगे हुए हैं जिनको पता चलती है चीजें, जिनको नहीं पता लगती है उन चलने तो भाई, चलने तो, जो चल रहा है चलने तो। नो प्राइम नंबर है क्या,
तो जगे रहो भाई, जग के आराम से क्वेश्चन करो। देखो अभी ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को दोनों में कॉमन आ रहा है 4, यहां बनेगा 4 2 1, यहां बनेगा 4 5 6, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। 4 का अपोजिट निकालना है अपने को, 4 का अपोजिट क्या आएगा, 3। सम बॉटल्स आर कैप्स, नो कैप इज प्लास्टिक, सम बॉटल्स आर कैप्स, नो कैप इज प्लास्टिक, सम बॉटल्स आर प्लास्टिक, और यहां दे रखा है सम बॉटल्स आर नॉट प्लास्टिक। एक तरफ दे रखा है सम बॉटल्स आर प्लास्टिक और दूसरी तरफ दे रखा है सम बॉटल्स आर नॉट प्लास्टिक, तो सही है, सम बॉटल आर नॉट प्लास्टिक। सम बॉटल आर प्लास्टिक, कुछ बॉटल प्लास्टिक है क्या, तो ये रॉन्ग है, इस डायग्राम में कहां है बॉटल प्लास्टिक। ट्रेन का कोड दे रखा है IGZ MR, WORSE WORSH, TRAIN, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, एन का एम का एन, आई का आर का आई, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, और यहां आर का अपोजिट आई, यहां ए का अपोजिट जेड, तो एल डी आई एस एच। पी क्यू का पिता है और आर एस का पुत्र है, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है किसकी बहन है, क्यू आर की बहन है, पी क्यू का पिता है, आर एस का पुत्र है, आर एस का क्या है पुत्र है, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, एस टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो एस टी की कौन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, एस टी की भाभी हो जाएगी, भाभी को हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिएगा 716, और यहाँ पे दे रखा है आपको अगला वाला जो लॉजिक है 25, इसके अंदर आप आखिर आप क्या लॉजिक लगाएंगे जो मैच कर जाए। देखिए सबसे पहले हमेशा सिंपल से स्टार्ट किया करो, सबसे सिंपल लॉजिक क्या बनेगा कि सर इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो 9-9 का गैप आ रहा है, यहां बनेगा प्लस 9, यहां बनेगा प्लस 9,
डी सी बी ए डबल डी डबल सी डबल बी डबल ए ट्रिपल डी ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो आंसर क्या बनेगा बी सी ए सी बी ए बी सी ए सी बी ए। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके तत्काल बाद एक अभाज्य संख्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तत्काल बाद में एक जो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। ये देखिए संख्याओं के बाद प्राइम नंबर्स, ये देखिए भाई, तो टोटल चार हैं, चार पेयर ऐसे हैं जिनके तत्काल बाद में अभाज्य संख्या है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दोस्तों ध्यान से देखना, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महिका, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महिका ने कहा, क्या कहा महिका ने देखना, वह मेरी बहू, इसकी महिका की बहू कौन होगी, महिका के बेटे की जो पत्नी होगी वही तो बहू होगी, वह मेरी बहू के पुत्र, वह मेरी बहू के पुत्र का एकमात्र पुत्र है। येलो, ये स्ट्रक्चर यहां आ गया। तो महिका के एकमात्र पुत्र से तस्वीर वाला व्यक्ति कैसे संबंधित है, तस्वीर वाला व्यक्ति कौन होगा, पोता हो जाएगा उसका, तस्वीर वाला व्यक्ति महिका के बेटे का कौन हो जाएगा, पोता, कौन हो जाएगा, पोता, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है कि अगर इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएं, वो बोल रहा है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएं इन संख्याओं को किसमें जमाना है, आरोही क्रम में, तो कितने अंकों के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा। आरोही क्रम में जमाया हमने, तो बोल रहा है कितने अंकों के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा, कितने अंकों के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा, बताओ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंकों में बदलाव ना हो, सब में बदलाव हो गया, नन ऑफ दीज, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें बदलाव ना हुआ हो। रिवॉल्यूशन को ये लिखा हुआ है तो ओवर्ट ऑयल को क्या लिखा जाएगा, तो ओवर्ट ऑयल की भाई इसी में से बन रही है ओ वी ई आर, तो कोड बनेगा 9234 से स्टार्ट होने वाला है, यही एक ऑप्शन। पांच दोस्त हैं, सबकी लंबाई अलग अलग है, वो एक पार्क में खेल रहे हैं, डी केवल जी से छोटा है भाई,
डी केवल जी से छोटा है, इसका मतलब बाकी सबसे बड़ा है। डी सी और ई से लंबा है। एफ केवल एक व्यक्ति से ही लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। एफ केवल एक व्यक्ति से लंबा है और सी और ई से लंबा है। सी यहां पर तो ई यहां आ सकता है, या फिर ई यहां पर तो सी यहां भी आ सकता है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? इनमें सबसे लंबा है जी। जी सबसे लंबा है भाई। सबसे लंबा कौन है? जी। जी सबसे लंबा है। बहुत बढ़िया गाइस, लेकिन यहाँ पे अरविंद का आंसर सबसे पहले आया था और बिल्कुल सही आया था। बाकी लोगों के आंसर आ तो रहे लेकिन उतनी श्योरिटी के साथ में आप जवाब नहीं दे रहे। विशाल दो बार अपने आंसर बदल चुके हैं। अब एक वैल्यू पुट करके देख लो, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो 49 तो आंसर आएगा नहीं। यहां पर एक व्यक्ति लिख रहा है 39, पुट करके देखो सर। ठीक है, 39 अगर पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 48 और 39 का जो डिफरेंस आ रहा है, 48 और 39 का जो डिफरेंस आएगा गाइस, वो आएगा 9 का। और यहां पर जो गैप चल रहा है, यहां चल रहा है 16, यहां चल रहा है 8, तो यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाना चाहिए 2। सही है, तो बिल्कुल 5 आ जाना चाहिए फिर। सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 39 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है।
बनाइए। जी से जे प्लस थ्री प्लस फोर देन प्लस थ्री देन प्लस फोर, ऐसा हो सकता है लॉजिक, क्योंकि यहां पे प्लस फोर हो रहा है, नहीं प्लस थ्री ही चल रहा है, सब में प्लस थ्री चल रहा है। जे के बाद के एल एम आएगा, माइनस टू माइनस टू, माइनस टू करेंगे तो ओ एम ओ, एम ओ से स्टार्ट होने वाला यही है। चलिए गाइस इन क्वेश्चंस को करिएगा फटाफट से, मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास के अंदर। बाकी के क्वेश्चन जो है 48 क्वेश्चंस हम लोग उस क्लास के अंदर करेंगे, पूरा 100 क्वेश्चंस यहीं पर अपन निपटाएंगे आज, ताकि थोड़ी सी मनोबल जो है हमारा बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, अग्रसर हों। दीपू 10 कोड लगाकर आप बैच ज्वाइन कर लेना। 40,000 वैकेंसियां जीडी में आ चुकी हैं, एमटीएस में ऑलरेडी आपको पता है कि 10,000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं, 50,000 वैकेंसियां ये है, सीएचएसएल तुम्हारे पास में है, एमटीएस है, जीडी है, डीआरडीओ है। इसके अलावा गाइज आप सभी लोग जानते हो कि सीपीओ दोगे, सीजीएल दोगे, पटवारी है, पुलिस है, स्टेट लेवल की भाई जम के वैकेंसियां हैं। ये 6 महीने जिंदगी के वो 6 महीने तुमने जिसमें जॉब ले ली तो ले ली भाई, नहीं तो फिर आगे की स्थिति तो तुम लोगों को फिर पता ही है कि अगले फिर चुनाव के बाद फिर 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं आती। तो बेटर ये है कि बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चालू कर दो, सबसे बेस्ट यही है गाइज। मौका क्योंकि जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, ये बात परमानेंटली सीख लो। क्या दिक्कत है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके नीचे वाली पहली संख्या बनाइए, इन दोनों को गुणा करके ये बनाया है और इसका क्यूब ये लगा के ये बनाया है, इन दोनों को गुणा करके ये बनाया है, फिर इसका क्यूब 4 का स्क्वायर ये बनाया है, इन दोनों को गुणा करके 14, फिर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है गाइस, चलिए सर बैच आज ही ज्वाइन किया है सुबह, ओके ठीक है भाई। प्रमोद आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर ले। दीपू 10 को लाकर आप बैच ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एसएससी कैटेगरी में बैच ज्वाइन कर लेना, 2 ईयर का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा गाइस 7,800 रुपए में, इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 7,020 रुपए में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से मतलब नहीं है ना, सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग की क्लासेस मिलेगी, नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा, ओके जी बिल्कुल। एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर लेना, बेटर तो वही रहेगा, बाकी फिर आपकी इच्छा, अगर आपका टारगेट रेलवे है तो रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी भी आने वाली। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।